jump. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का आज जन्मदिन है। 28 दिसंबर 1937 को उनका जन्म सूरत में हुआ था। इस मौके पर हम उनकी लाइफ से जुड़ी दिलचस्प बातें बताने जा रहे हैं। टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के बाद उन्होंने जनवरी 2013 में अपने कार्यभार से रिटायरमेंट ले लिया था। रिटायर्ड होने के बाद रतन टाटा मुंबई के कोलाबा में समुद्र किनारे बने सफेद रंग के खूबसूरत बंगले में रह रहे हैं। टाटा का पर्सनल ड्राइवर भी मर्सिडीज कार से आता है। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का मुंबई स्थित निवास अपनी खूबसूरती और वास्तुकला के लिए फेमस है। समुद्र की लहरें जब इस बंगले की ओर बढ़ती हैं तो यह किसी आइलैंड जैसा लगता है। टाटा ने खुद इसे डेकोरेट कराया है। आधुनिक वास्तुकला से बने 13,300 नटसक FT के इस बंगले को पूरी तरह सफेद रंग से पेंट किया गया है। यहां तक कि विंडो ग्लास, दीवारें और दरवाजे भी सफेद हैं। दिसंबर 2012 में टाटा ग्रुप से रिटायर होने के बाद रतन टाटा अपना ज्यादातर वक्त कोलाबा स्थित अपने बंगले में बिताते हैं। करीब 13,000 वर्ग फीट एरिया में फैले इस खूबसूरत बंगले को रतन टाटा ने अपने रिटायरमेंट के एक साल पहले खुद अपनी जरूरतों के मुताबिक डिजाइन करवाया था। यह बंगला कोलाबा पोस्ट ऑफिस के ठीक पीछे स्थित है। समुद्र के सामने स्थित होने से हर कोई इस बंगले में रहने वाले को खुशनसीब मानता है। इस बंगले के बेसमेंट में पार्किंग बनाई गई है। इसमें 10 से 12 कारें पार्क की जा सकती हैं। इसी हिस्से में सर्वेंट क्वार्टर बनाए गए हैं। बंगले के बाहर एक बड़ा गार्डन है जिसमें रतन टाटा एक्सरसाइज करते हैं और शाम को अपने डॉगी को टहलाते हैं। 3 फ्लोर के इस बंगले को 7 लेवल, प्रत्येक फ्लोर के 2 भाग में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फ्लोर के निचले हिस्से में लिविंग रूम और ऊपरी हिस्से में सन डेक है। यहाँ करीब 50 लोगों के साथ पार्टी की जा सकती है। इसी हिस्से में टाटा का स्टडी रूम है। दूसरे फ्लोर के निचले हिस्से में 3 बेडरूम और ऊपरी हिस्से में 1 लाइब्रेरी है। तीसरे फ्लोर के निचले हिस्से में मीडिया रूम है जिसमें टाटा खास लोगों से मुलाकात करते हैं। इसी हिस्से में 1 बेडरूम और 1 जिम भी है। ऊपरी हिस्से में स्विमिंग पूल, लाउंज और सन डेक है। रतन टाटा के ड्राइवर को लेने के लिए मर्सिडीज कार जाती थी। कार पर बैठकर टाटा का ड्राइवर उनके घर या दफ्तर आता था। इसके बाद वो टाटा की दूसरी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठकर उन्हें ऑफिस पहुंचाता था। रतन टाटा जितने बड़े उद्योगपति हैं, उतने ही बड़े इंसान भी माने जाते हैं। 26/11 को मुंबई में हुए आतंकी हमले से उनका होटल ताज पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। हमले के बाद 6 महीने तक होटल को बंद करना पड़ा था। कर्मचारियों को परिवार का हिस्सा मानने वाले टाटा ने उस अवधि में सभी कर्मचारियों को पूरी सैलरी दी। नए पुराने सभी कर्मचारियों को उनकी सैलरी मनी ऑर्डर के जरिए घर पहुंचा दी जाती थी। 26/11 हमलों के दौरान होटल में मारे गए कर्मचारियों के परिजनों को लाइफ टाइम पेंशन देना शुरू किया। कर्मचारियों के लड़के और लड़कियों को दुनिया भर में कहीं भी पढ़ने की सुविधा भी दी। इतना ही नहीं, उन्हें मुफ्त इलाज की सुविधा भी दी गई। टाटा ने कर्मचारियों द्वारा पहले लिया गया लोन पूरी तरह से माफ कर दिया।